गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए अपना क्लास टेंथ का हम पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो जीरोस हम लोग फाइंड करते हैं, जिससे जीरो आती है पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है वो, और उनका जो कोफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ए बी सी, ठीक है। यदि आपकी क्यूबिक क्वेश्चन है तो ए बी सी डी, या लीनियर इक्वेशन है तो ए और बी, इन सबका आपस में क्या रिलेशन होता है, इनसे हम जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है, या जीरोस दे रखे हैं तो हम लोग कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये रिलेशन हमें यहाँ पे देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिड टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर हम धीरे धीरे उन चीजों को समझते हैं कि हमें क्या कैसे रिलेशन देखना है, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन लिया है हमने, पी एक्स यानी पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। पहली बात तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए, सबसे पहले आप चेक करिए क्या कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये लेक्चर फर्स्ट जो पॉलिनोमियल का था उसमें बता चुके हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी एक्सप्रेशन को लिखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हो, घटता हुआ क्रम, पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे कम पावर वाला नंबर, उससे बाद उससे कम पावर वाली टर्म, इस टाइप से हमें उन टर्म्स को सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है, हाईएस्ट टू लो, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो हमें देखना है कि मिड टर्म हमारी कौन सी है। मिड टर्म कौन सी है, 8x। मिड टर्म क्या है हमारी, 8x, ये कह सकते हैं माइनस 8x। अब इसमें क्या होता है, रूल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करते हैं ए इंटू सी, ठीक है। ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आता है वो जो हमारी मिड टर्म है ये बी, ठीक है, कि जब हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हमारे बी को जो भी जैसे भी स्प्लिट करें हम, वो स्प्लिट के जो टर्म होंगे, जो डिजिट होंगी या जो नंबर होंगे, उनको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आना चाहिए, ठीक है, और प्लस या माइनस करके जो भी आप ऑपरेट करना चाहे जैसे भी, तो हमारा बी आना चाहिए। मतलब कि जो भी होगा, ठीक है, मान लिया हमने पी और क्यू मान लिया, ठीक है, हमें नहीं पता प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा, जैसे समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या है, जब हम प्लस या माइनस जो भी करें जैसी कंडीशन होंगी वैसे, तो हमारा बी आना चाहिए, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये देखते हैं, यहां ए बी है और सी बी है, तो ये कितना हो गया, 6 × 12, ये क्या हो गया हमारा 12। अब हमें क्या करना है कि हमारा 12 भी मल्टीप्लाई करें उन फैक्टर्स का, तो 12 आ जाए, और जब प्लस माइनस करें तो हमारी ये मिड टर्म आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है, 6 × 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 × 12, और 6 + 2 8, यानी कि जब प्लस माइनस कर रहे हैं तो हमारा 8 आ जाए, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और सी की, तो हमारा 12, तो होता है 6 × 12। तो लिखेंगे हम 2x² - 6 + 2, ठीक है, 6 × 12 भी हो गया हमारा इन दोनों प्रोडक्ट, 6 + 2 8 भी हो गया हमारा, बाहर माइनस था इसलिए मैंने ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, ठीक है। x को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये हो गया 6x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहां पे क्या कॉमन है, 2 हमारा यहां पे पूरे क्वेश्चन में भी कॉमन है हमारे में 2, ठीक है, चाहे तो पूरे क्वेश्चन से आप 2 को कॉमन ले लें, यहां मिल सकते कॉमन हो, या फिर फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2x² - 3x, ठीक है, सॉरी 2x - 3, यहां भी x माइनस 3 लिया हम लोगों ने। अब यहां किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 से करें, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 माइनस 3 माइनस प्लस 2 3 जा 6 वाई टर्म आ गई, हमारा ये आए 2x - 2 और x - 3। अब चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं 2, ये आ गया x - 1, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए 2x - 1 x - 3, ठीक है। अब ये हमारे जीरो चाहिए तो हम लोग मानते हैं, तो इसमें कोई भी एक हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए,
ठीक है, तभी तो जीरो इक्वल होगा ये, तो जब होगा तो क्या आया, टू इक्वल टू जीरो, तो इधर जीरो ही हो गया, ये एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हमारा आया वन, और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये आया हमारा थ्री, तो हमारे जीरो क्या हो गए, ये हमारे हो गए एक्स की पावर वन और एक्स की पावर थ्री, ठीक है, ये तो ऑलरेडी जीरो टू इक्वल टू जीरो हो गए, तो कोई मतलब नहीं रहा इसका, ठीक है, ये हमारे जीरो हो गए वन और थ्री, ठीक है, जो उसके रूट्स होते हैं उसको हम लोग अल्फा और बीटा का नाम दे देते हैं, ठीक है, एक गामा भी आएगा वो हमारे क्यूबिक क्वेश्चन में आता है, उसे बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी अल्फा बीटा हमारे हो गए, जो दो रूट हैं उसे एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा लेते हैं। सब क्लास नाइन्थ में आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो ये बी क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ए क्या है हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अभी देखेंगे जीरो और इसमें कैसे रिलेशन होता है, ठीक है, तो अल्फा और बीटा कितने हमारे वन प्लस थ्री है, और यहां यदि हम देखें माइनस बी, बी कितना ये हो गया एट, और ये कितना हो गया टू, देखिए ये भी क्या है फोर है, फोर प्लस टू फोर, चाहे आप दोनों में से किसी में से निकाल लें सम ऑफ रूट, चाहे आप दोनों ही इक्वल आएंगे, ठीक है, तो ये हमारे जो रूट्स हैं वो, ठीक है, यानी कि जो उसके जीरोस हैं वो, और ये हमारे कोफिशिएंट पॉलीनोमियल दोनों ही ये इक्वल रिजल्ट हमें देते हैं, ठीक है, तो इनमें जो रिलेशन होता है हमने वेरीफाई भी कर लिया, रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस रूट्स और जीरो, हम कहें कि रियल रूट्स निकालिए या कहें जीरोस फाइंड करिए, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, मैं कहूं जीरो फाइंड करिए, फाइंड द जीरोस, और मैं कहूं फाइंड द रियल रूट्स, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग, चाहे जीरोस के लिए मैं बोलूं फाइंड करिए, चाहे रियल रूट्स बोलूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि रूट्स और जीरोस दोनों एक बात है, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं यहां पे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा वन प्लस थ्री, और ये क्या है हमारा माइनस, माइनस प्लस एट अपॉन टू, दोनों ये सॉल्व सेम आएंगे, तो ये होता क्या हमारा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, वैसे प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स बोथ आर सेम थिंग, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या है थ्री, ये क्या है वन, यानी वन इंटू थ्री, और यहां क्या है सी हमारा सिक्स अपॉन टू, ये देखो ये भी थ्री आ गया, ये क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट टर्म होती है, और ये हमारा होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं हर जगह हमारे दोनों चीजें इक्वल है, जो हम लोगों ने रूट्स निकाले जीरोस निकाले हैं, चाहे आप उनसे सॉल्व करिए चाहे कोफिशियंट से सॉल्व करिए, दोनों में रिजल्ट हमारा सेम आता है। आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, रिलेशन कैसे डेवलप करना है, ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं, ठीक है, तो फिर से क्या होगा वही मिड टर्म स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिट करने से पहले जो एक्सप्रेशन है जो इक्वेशन है वो हमारी किसमें होनी चाहिए, वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट जो डिग्री है उसका टर्म पहले, उसके बाद उससे जो लो है उससे लो है उससे लो है, लास्ट में जो कॉन्स्टेंट टर्म है उस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है, वैसे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाईएस्ट डिग्री पहले उससे कम डिग्री बाद में, ठीक है, उससे कम पावर वाली वैल्यू बाद में, उससे फिर कॉन्स्टेंट टर्म बाद में, मिड टर्म हमारा क्या हुआ फाइव एक्स, तो क्या करते हैं जो a वाली टर्म है और जो c है क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है a और c का जो प्रोडक्ट होता है
वो और यहां पे जो ये टर्म है इसको जैसे भी हमने प्लस माइनस करके लेके आए, दोनों हमारी चीजें एक पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 + 6 हो गया। अब हमें यहां भी 6 जो है प्रोडक्ट, अब इसको हम जो बी के जो भी फैक्टर्स करेंगे हम, जब उनको प्रोडक्ट करें हम, तो हमारा 3 + 6 आना चाहिए। अब प्लस या माइनस जो भी जैसे ऑपरेट करें हम, तो हमारा 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 × 6 और 6 − 1 क्या होता है 5, ठीक है। तो ये हो गया 3x² + 6x − 1x − 2, ठीक है। तो 6 × 6 = 6 × 6 − 1 = 5, ठीक है। तो ये हुआ हमारे दोनों में कॉमन क्या है, हमारा 3x कॉमन है, ये आया x + 2, यहां रखते हैं x + 2, ये कितना आया -1, हमने बाहर कॉमन ले लिया, अभी माइनस एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 हो गया। तो ये हमारे फैक्टर आए 3x − 1 और x + 2, ये हमारे फैक्टर आ गए जो मिड टर्म स्प्लिटिंग किए हमने। अब हमें ये 0 लेके आना है, हमारा क्या आ जाएगा, ये 3x − 1 = 0 और x + 2 = 0। तो ये आया 3x = 1 x = 1/3 x = 2। ये हमारे जीरोज आ गए, एक क्वेश्चन के 2 जीरोज आए हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और जब क्यूबिक क्वेश्चन है तो वहां आता है गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ अल्फा बीटा ही चाहिए हमें। फिर से रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं जो अभी हम डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स, बोथ आर सेम थिंग। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा बीटा क्या हुआ हमारा 1/3 − 2 − b यानी कि −5/a। सॉल्व कर भी लेते हैं इसे, 3 × 6 हो गया, −6 + 1 − 5/3, मतलब कि सेम आ रहा है। और ये क्या है हमारा, कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, कोफिशियंट ऑफ x² करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या, सम ऑफ जीरोस, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 × −2, और c क्या है हमारा −2, a क्या है 3, दोनों हमारे इक्वल हो गए। चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे हम जो जीरोज हैं उनको ले लें, चाहे जो कोफिशियंट हैं उनसे सॉल्व कर लें, दोनों से सेम आता है। वही हम पहले भी देखा, अभी भी वही देख रहे हैं, वही कुछ करें, दोनों से सेम आता है। तो इसके लिए क्या होगा, ये हमारा कॉन्स्टेंटल अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², कोफिशियंट ऑफ x², ठीक है। आइए अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लोग करते हैं बात, ठीक है। ये दो एग्जांपल मैंने कराए, कुछ बातें आपको पहले ही आती थी, मैंने रिवाइज कराया, अब मैं उनसे कैसे डेवलप करते हैं क्वेश्चन वो आपको बताता हूं। इन जनरल हमने माना कि अल्फा बीटा आर द जीरोज, या कह सकते हैं रियल रूट ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ये एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उसके अल्फा बीटा दो हमारे जीरोज हैं, या कह सकते हैं रूट्स हैं, ठीक है। एक बात और, a जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यदि a जीरो हो गया तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां भी क्या था −b/a, a यदि अपॉन में जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। इसलिए कहते हैं जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो हो गया तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी, इसलिए a ≠ 0। a ≠ 0 हमने माना, a और भी फैक्टर है, तो उसके फैक्टर क्या हुए, सो फैक्टर
फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो हमारे ये पी एक्स के फैक्टर हो गए हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, आइए देखते हैं इक्वेशन क्या हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से यदि इसके फैक्टर हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये माना दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साथ में कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं के, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, के को भी अलग ही रखते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स अल्फा बीटा, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो गया हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई यहां पे। ठीक है, अब आइए हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स के जो कोफिशियंट है उनका, हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स और सी जो भी कोफिशियंट है उनके, उनको कंपेयर करते हैं, तो हमारा क्या आता है, कंपेयर द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर क्या आ गया हमारा, सॉरी ए है अल्फा नहीं, ए इक्वल्स टू आ गया हमारा के आ गया, और बी इक्वल्स टू क्या आया माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी इक्वल टू क्या आया के अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये तो a बराबर k है, a इक्वल्स टू k है, मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस b अपॉन माइनस k, यहां मुझे प्रोडक्ट निकालना है अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा c अपॉन k, और k की वैल्यू क्या है, k जो है वो a के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा b तो माइनस यहां आ गया ये अल्फा प्लस बीटा, और ये आ गया k इक्वल टू ए है सी अपॉन ए अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारी एक क्वेश्चन आ गई। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या रिलेशन आ गया, ये क्या रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा ने जीरोस का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बी क्या होता है हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स, यानी नेगेटिव ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रियल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों ये आ गए, ये रिलेशन हमें डेवलप करना था, ये वाला था रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशियंट, ये हमारे जीरोस हो गए और ये हमारे ए और बी कोफिशियंट हो गए, ये हमारे अल्फा बीटा जीरोस हो गए, ए और सी हमारे ये कोफिशियंट हो गए। ठीक है जी, ओके थैंक यू। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं जो हमने प्रीवियस अभी रिलेशन समझा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, इस एक्सप्रेशन के हमें जीरोस, जीरोस मतलब क्या हुआ, रूट्स, रियल रूट्स फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशियंट, और हमें वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है कि जो हमारा रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशियंट का वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे जीरोस यानी कि रूट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो मान लेते हैं, तो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उससे करते हैं, तो क्या करते हैं टेन की कांस्टेंट टर्म की हम लोग जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करते हैं, टेन बन जा टेन। अब उसके बाद ये जो मिड टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके जो प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट
इस किसके प्रोडक्ट के इक्वल हो, ठीक है, और ये टर्म भी हमारा प्लस माइनस करके आ जाए, यानी 5 टू जाए 10 और 5 प्लस 2 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, कॉमन आया x, x प्लस 5, यहां भी आएगा x प्लस 5, ये आ गया प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया x प्लस 2 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारे फैक्टर्स आ गए इसके, हमें जीरोस फाइंड करने हैं इससे, तो ये आएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जीरो कब आएगा, जब ये जीरो हो या ये जीरो हो, दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो ये तो जीरो आएगा, तो दोनों ही हमने मान लिया जीरो के इक्वल है, तो x इक्वल टू माइनस 2, तो एक जीरो तो हमारा तब आ जाएगा जब x माइनस 2 है, तो हमारा जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी हमारी यहां पे क्या होगी, तो हमारा ये आ जाएगा, तो दो रूट आ गए जीरो, जिसको हम लोग नाम देते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा, गामा जो होता है वो क्यूबिक क्वेश्चन में आता है, यहां तीन रियल रूट्स या थ्री जीरोस फाइंड होते हैं, यहां दो आ गए अल्फा और बीटा, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्या रिलेशनशिप जो हम लोगों ने पढ़ी है, क्या पढ़ी है हम लोगों ने, सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या होता है हमारा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ये क्या होता है हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, ये माइनस टू माइनस फाइव दैट इज माइनस सेवन, और ये बी अपॉन ए क्या है, बी क्या है हमारा माइनस सेवन, ए क्या है वन, यानी कि ये भी क्या है माइनस सेवन, तो वो था इक्वल, तो हमारा ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, हम चाहे जो जीरोस हैं उनसे सॉल्व करें या जो हमारे कोफिशियंट है उनसे सॉल्व करें, हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक चीज है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है C upon A, ये क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म होती है हमारी, और ये क्या होता है हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो गया माइनस टू इंटू माइनस फाइव माइनस प्लस इंटू टेन, और ये हो गया C upon A, देखते हैं C क्या है हमारा 10, ए क्या है वन, यानी ये भी हो गया 10, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी, चाहे हम लोग आप जीरोस से करें या हम कोफिशिएंट से करें, दोनों कंडीशन में हमारे सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको जीरोस फाइंड करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पॉलिनोमियल के, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, आपको जीरो और कोफिशिएंट से आपको रिलेशनशिप भी इनकी वेरीफाई करनी है, रिलेशनशिप अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है, हम लोग मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, मिड टर्म तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो हमारा कहता है एक्स वेरिएबल के साथ थी, वो तो है नहीं, तो हमें क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, रिकॉल करिए आइडेंटिटी जो होती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, मैं कर देता हूं रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री ही होगा, तो सेम चीज आ गई हमारी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री, जीरो निकाल रहे हैं हमें, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, ये जाएगा एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया एक्स प्लस अगर जाएगा माइनस रूट थ्री और ये प्लस रूट थ्री, ठीक है, ये हमारे अल्फा और बीटा आ गए, ठीक है, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री, हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को, इसमें होता है हमारा
सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एट इज माइनस बी अपॉन ए, ये क्या होता है हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ये हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, ये रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, और ये क्या है हमारा माइनस बी, बी तो है ही नहीं यानी कि वो जीरो है, जीरो अपॉन इसका है वन, तो ये हमारा हो गया रूट थ्री माइनस रूट थ्री, और ये जीरो का जीरो ही होगा, प्लस जीरो माइनस जीरो फर्क नहीं पड़ता, यानी जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस यहां पे वेरीफाई हो गया कि हम लोग जो कोफिशियंट है चाहे वो लें चाहे हमारे जीरोस में वो लें दोनों से सेम आ रहा है। तो देखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। सी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, और ए क्या है हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा यानी कि रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, और सी क्या है हमारा, सी है माइनस थ्री, ठीक है, रूट थ्री रूट थ्री थ्री हो गया, माइनस का माइनस रहा, तो ये भी हमारा इक्वल हो गया, यहां वेरीफाई हो गया कि चाहे हम जीरोस ले लें चाहे हम आपके कोफिशियंट जो टर्म्स है वो ले लें, हमारा दोनों से ही ये सेम आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमें एक पॉलीनोमियल को फाइंड करना है जिसके हमें सम ऑफ जीरोस माइनस थ्री दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू दे रखा है, ठीक है, उससे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हमें फाइंड करना है। क्या होगी जनरल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, कितना दे रखा है हमें, ये माइनस थ्री दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स, दोनों एक ही बात है, ये क्या होता है c अपॉन ए, ये कितना है टू, तो c अपॉन ए। आइए यहां कुछ नहीं है तो नीचे हम लिख सकते हैं वन, यहां सकते हैं वन, दोनों को स्टडी कर थोड़ी देर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं a इक्वल्स टू क्या आया है वन, b इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू थ्री, c इक्वल्स टू टू, तो ये हमारे टर्म आ गए। क्वेश्चन क्या है हमारी, तो जो बेस्ट इक्वेशन है जो इस कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, वन चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, तो ये हमारी वो इक्वेशन हो गई, वो पॉलीनोमियल हो गया जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट जो दे रखा है उसके हिसाब से, ठीक। और आप चाहते हैं कि कोई और भी कोई ऐसा पॉलीनोमियल हो जो इस कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो आपके एक रियल नंबर ले लीजिए आप, आप साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा इस फॉर्म में वो पॉलीनोमियल आ जाएगा, ठीक है। आइए थैंक यू, अब आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं।